गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास है, वेलकम टू ऑल। आज हम 10th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है मैथमेटिक्स का, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसको स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सो बिफोर स्टार्ट द चैप्टर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, पहले उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन। What is linear equation? Linear equation हमने previous class में in one variable पढ़ा होगा। Linear equation in one variable। One variable का मतलब क्या है? Linear equation है, it is a equation whose degree one। Degree अगर one है, degree one का मतलब क्या है? कि जो variable है, उसकी highest power कितनी होगी? One होगी। That is called linear equation। Okay? Linear equation means the degree of equation is 1. So it is called linear equation. Previous class में पढ़ा था linear equation in one variable. One variable का मतलब means example 4x plus 3 is equals to 0. This is a linear equation in one variable. Why? It is in one variable because there is only one variable, that is x. Okay. Similarly, 5 by 3x plus 2 is equals to 0. एंड सो ऑन। इसमें क्या है, सिर्फ हमारे पास वन वेरिएबल होगा, आइदर एक्स और वाई और जेड और एटसेट्रा। ओके, नाउ इसका हमने सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया था प्रीवियस क्लास में? सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सो कैसे फाइंड करेंगे? 5/3x इज इक्वल्स टू -2, 5/5x इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई 3, 5x is equals to -6, x is equals to -6/5. So in this way, हमने solution find किया था एक linear equation। Similar concept है हमारे पास pair of linear equation in two variables। अब हमारे पास जो linear equation होगा वो pair में होगा। Pair का मतलब क्या है? We need two equations। Okay? We have given two equation and two variable। टू वेरिएबल का मतलब क्या है कि उसमें हमारे पास वेरिएबल कितने होंगे? दो होंगे, एक्स वाई ए बी पी क्यू कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 4x + 3y = 5। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। व्हाई इट इज लीनियर इक्वेशन? बिकॉज द डिग्री ऑफ एक्स इज 1 एंड डिग्री ऑफ वाई इज आल्सो 1। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने करना क्या है, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। इस चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमने एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, तो उन मेथड्स को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। Friends, we have a linear equation in two variable. The general form is ax plus by plus c is equals to 0. So this is the linear equation in two variables. यहाँ पे x and y ये दोनों हमारे पास variable है, और A, B and C, these all are any real number. ये हमारे पास कोई भी real number होगा। ये A, B, C are the real numbers and X and Y are the variables. X and Y are variables. Okay? Now, in this chapter, we have given two linear equations. Why we have given two linear equation, that is a pair of linear equation? Because किसी भी अगर हमने equation को solve करना है, किसी भी अगर equation को हमने solve करना है, तो हमने पहले check करना है कि how many variables are present in that equation, कि उस equation में हमारे पास कितने variable present है। Suppose यहाँ पे हमारे पास दो variable, तो हो सकता है कि एक बार हमको one variable given होगा, या we have given three variables and so on.
सो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं हमारे इक्वेशन में, आई रिपीट, हमारे इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वी नीड एटलीस्ट दैट नंबर ऑफ इक्वेशंस। मीन्स अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन, हमारे पास वेरिएबल है दो, तो हमको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर? अगर हमारे पास इक्वेशन में तीन वेरिएबल है सो वी नीड थ्री इक्वेशंस, एटलीस्ट थ्री इक्वेशंस टू सॉल्व दैट इक्वेशन। ओके, अगर हमारे पास तीन वेरिएबल है, सपोज एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल है, तो तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मुझे इक्वेशंस कितने चाहिए? तीन इक्वेशन चाहिए। और अगर हमारे पास सिर्फ वन वेरिएबल है, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, 4x plus 3 is equals to 0. So we have given only one variable, that is x. So हम इस equation से ही उसकी value find कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, 4x plus 3y is equals to 3. अगर हमारे पास ये equation है, इसमें कितने variables हैं? इसमें हमारे पास दो variable हैं। तो हम इसको solve नहीं कर सकते। Clear? हम इसको solve नहीं कर सकते। ये solve करने का मतलब क्या है? कि we cannot find the value of particular value of x and y. Okay? तो हमने क्या करेंगे? हमको कितनी इक्वेशन की जरूरत है यहाँ पे? We need two equations to solve it completely. Clear? So that's why we need here two equations. That's why it is called pair of linear equation in two variable. Means हमको दो linear equation given होगी दो variable के ऊपर और हमें उसको solve करना है by different methods. So, the pair of linear equation, दो equation होगी तो हम मान लेते हैं, the first linear equation is of the form that is a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. So, this is our first linear equation. Similarly, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. This is our second linear equation. तो ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन होगा। क्लियर? इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। क्लियर? जो मेथड्स मैं आपको आगे करवाने वाला हूं, ठीक है, उन मेथड्स से की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे और हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखते हैं वो मेथड्स। सो स्टूडेंट्स, वी हैव मेथड्स टू सॉल्व pair of linear equations in two variables. We have methods. The first is graphical method. First is graphical method and second one is algebraic method. Algebraic method. Clear? So graphical method and algebraic method. तो हमारे पास algebraic method में तीन method है, वो कौन कौन से method है? First is substitution method. Second is elimination method and third is cross multiplication method. So algebraic method में हमारे पास तीन method है, substitution method, okay, elimination method and cross multiplication method, and one more method is graphical method. तो graphical method में जैसे नाम से कह रहे हैं, graphical means graph की help से क्या करेंगे, इसको solve करेंगे, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन लेंगे, एक टू डायमेंशनल प्लेन लेंगे एक्स एंड वाई एक्सिस, एंड उस पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन को जो हमारी इक्वेशन दी होगी उसको प्लॉट करेंगे। क्लियर? जैसे कि नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है, तो इक्वेशन को प्लॉट करेंगे और उससे हम क्या फाइंड करेंगे, हमारा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सिमिलरली द अल्जेब्रिक मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि हम किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, तो उस मेथड से हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है, एलिमिनेशन इज एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करने का मतलब उसको खत्म करना, किसी एक वेरिएबल को खत्म करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उस दूसरे वेरिएबल
हेल्प से हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं आपको ये ब्रीफ बता रहा हूँ, ठीक है, जब मैथड्स डिस्कस करेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके लिए मेथड है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल्स को और उसको सॉल्व करना है। सो दिस इज द मेथड्स। नाउ अब जो हमारा सोल्यूशन आएगा, क्लियर, जो हम इससे इस मेथड इन मेथड का यूज करके जो हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे, वो सोल्यूशन हमारे पास तीन तरह का हो सकता है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस। ओके, कौन कौन से सोल्यूशन हो सकते हैं? पहला हो सकता है कि जब हम इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करें तो मेरे पास एक्स की और वाई की दोनों की सिंगल सिंगल वैल्यू आए, मीन्स एक वैल्यू एक्स की आए और एक वैल्यू वाई की आए। तो दिस इज द फर्स्ट केस। तो इसको हम बोलते हैं द सिस्टम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब ओनली वन सोल्यूशन। ओके, और दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है? जब हम इसको सॉल्व करें तो इसका कोई भी सोल्यूशन ना, कोई भी सोल्यूशन का मतलब कि ना ही एक्स की वैल्यू और ना ही कोई वाई की वैल्यू ऐसी हो जिससे ये इक्वेशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो एक्स और वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो उसको हम बोलते हैं द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। क्लियर, पहला क्या था, यूनिक सोल्यूशन, सेकेंड इज नो सोल्यूशन, एंड वट इज थर्ड केस। थर्ड केस में ऐसा होगा कि एक्स और वाई की जो हम वैल्यूज निकालेंगे, एक्स और वाई की जब हम वैल्यूज निकालेंगे वो लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज आएगी। लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या है कि काफी सारी वैल्यूज ऐसी होंगी जिसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई। तो उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस। कौन कौन से? फर्स्ट यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन या ओनली वन सोल्यूशन। सेकेंड नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। एंड थर्ड इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। सो इसको तो हम बाय ग्राफिकल मेथड बता सकते हैं। ग्राफिकल मेथड कैसे बता सकते हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक क्रिटेरिया है, एक मेथड है जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा ये पेयर ऑफ इक्वेशन है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैसा सोल्यूशन आएगा। कैसा सोल्यूशन मीन्स क्या उसका यूनिक सोल्यूशन आएगा, क्या उसका नो सोल्यूशन आएगा, या क्या उसका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो ये हम कैसे बता सकते हैं? तो आइए पहले वो मेथड देखते हैं कि व्हाट इज द मेथड, एंड दैट मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो हमारा प्रोसेस है, वो क्रिटेरिया जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे हर बार एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। सो देखते हैं क्या है हमारा क्रिटेरिया। सो सपोज दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने क्या करना है, जो हमारा वेरिएबल है x, y और ये कॉन्स्टेंट्स है, हमने इनकी रेशियो निकालनी है। रेशियो मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x की रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ y की रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ जो कॉन्स्टेंट्स है उनकी रेशियो। कैसे निकालेंगे? पहले फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2, फिर फाइंड करेंगे b1 अपॉन b2, फिर फाइंड करेंगे c1 अपॉन c2। मींस x के कोफिशिएंट की रेशियो, y के कोफिशिएंट की रेशियो और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है उनकी रेशियो निकालेंगे ऐसे। क्लियर? उसके बाद हमारे पास तीन केस बनेंगे, फर्स्ट केस, सेकंड एंड थर्ड। तीन केस बनेंगे, वो कौन से तीन केस है? अगर हमारे पास ये जो रेशियोज है ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, मीन्स अगर ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल ना हुए, अगर ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल ना हुए तो हम ये बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? अगर ये वाला केस है, मीन्स
तीनों रेशियोज नॉन इक्वल है, क्लियर। तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास तीनों रेशियोज इक्वल आ गए, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, अगर तीनों रेशियोज हमारे पास इक्वल आ गए तो हम ये बोलेंगे वी हैव मैनी सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, लार्ज नंबर ऑफ सोल्यूशन, क्लियर। अगर हमारे पास ये तीनों रेशियोज इक्वल आ गए, नेक्स्ट If we have a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, means जो coefficient x के हैं और जो y के coefficients हैं उनकी ratio तो equal होगी, but ये जो constants हैं इनकी ratio इसके equal नहीं होगी, means cos 2 are equal, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but it is not equals to c1 upon c2, then हमारे पास जो solution होगा वो हो गया no solution, no solution। so this is the criteria, इसकी help से हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो system है, system of linear equation है, means pair of linear equation है, उसका कौन सा solution आएगा, unique solution आएगा, many solution आएगा या no solution आएगा, clear। so ये आपने जो मेथड है या जो प्रोसीजर है वो आपने याद रखना है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम बताएंगे कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका क्या सोल्यूशन है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। वी हैव एग्जांपल दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 2x + 4y इज इक्वल्स टू 5 एंड 3x - 4y इज इक्वल्स टू 10। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। उससे पहले चेक करेंगे कि इसका कौन सा सोल्यूशन आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन है 2x + 4y - 5 is equals to 0 एंड सेकंड इक्वेशन कैन बी रिटन एज 3x - 4y - 10 is equals to 0। तो हमने ये दोनों इक्वेशन को ऐसे हमने रीअरेंज करके लिख लिया। अब क्या करेंगे, a1 upon a2, a1 upon a2 निकालेंगे, the coefficient of x 2 upon 3, now b1 upon b2, b1 upon b2 क्या होगा, coefficient of y 4 upon minus 4, ध्यान रखते हैं आपने देन साथ में माइनस का साइन भी है, because sign is including in coefficient, clear। तो ये हमारे पास आएगा minus 1, next c1 upon c2, c1 upon c2 भी क्या आएगा, minus 5 upon minus 10, so minus से minus cancel, हमारे पास इसको solve करके आएगा 1 by 2, so ये हमारे पास आया। अगर हम ध्यान से देखें, a1 upon a2 हमारे पास आ रहा है 2 by 3, b1 upon b2 आ रहा है minus 1, c1 upon c2 आ रहा है 1 by 2, तो ये तीनों आपस में equal नहीं है, these are not equal, then हम लिखेंगे a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। ये केस है। अब ये केस कौन सा है, दिस इज द केस फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो हम ये बोलेंगे दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 5x plus 10y minus 20 is equals to 0 and x plus 2y minus 4 is equals to 0। so suppose हमारे पास ये linear equation है, तो अगर मैं इसको solve करूँ, तो सबसे पहले a1 upon a2 निकालेंगे, a1 upon a2 is 5 upon 1, similarly b1 upon b2 10 upon 2, that is 5 upon 1. Next, c1 upon c2, c1 upon c2 is minus 20 upon minus 4. So, minus minus get cancelled, 4 से ही cancel होगा, 5 upon 1. तो हमारे पास जो answer आया, वो क्या आया? a1 upon a2, 5 by 1, b1 upon b2, 5 by 1, c1 upon c2, 5 by 1. तो ये तीनों equal आ गए। If b1
these three ratios are equal, means A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2. अब ये वाला केस आया, तो ये केस कौन सा होता है? ये हमारा सेकंड केस होता है. किसमें? इसमें हमारे पास क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन. सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. क्लियर? सो इस टाइप किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा. तो आइए अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फर्स्ट मेथड, ग्राफिकल मेथड, उसको समझते हैं. पॉज करते हैं. सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड में कैसे करना है? सपोज वी हैव गिवन टू इक्वेशंस दैट इज 3x प्लस 4y is equals to 12. This is our first equation. And the next equation is 4x plus 3y is equals to 24. This is our second equation. So, मैंने आपको एक example देखो समझाया. This is the example. अब इसको हमने solve करना है. Solve by Gaussian method. Solve by ग्राफिकल मेथड. सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, पहले हम इसका सेट ऑफ इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 3x plus 4y is equals to 12. एंड जो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास दैट इज 4x plus 3y is equals to 24. तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा सेट ऑफ इक्वेशन कैसे सिलेक्ट करते हैं, बाय हिडन ट्रायल मेथड. X, Y. तो क्या करेंगे? बाय हिडन ट्रायल मेथड यहाँ पे X की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे Y की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे. हमारे पास क्या है? तो सपोज वी पुट द वैल्यू ऑफ X 0. अगर हम यहाँ पे X को 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये टर्म जो हमारे पास होगा वो 0 हो जाएगा. क्लियर? तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 4y = 12. 4y = 12. तो वहां से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 12/4. 12/4 इज 3. तो हमारे पास आया 3. क्लियर? ऐसे ही अब हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सपोज 0. अगर y 0 होगा तो ये टर्म हमारे पास खत्म हो जाएगी. तो क्या बचेगा हमारे पास? 3x = 12. 3x = 12 मींस जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 12/3. तो 12/3 इज 4. सो दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन, सेट ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर? अगर आपको ऐसे दिखने लगता है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो. जैसे पहले मैंने x को पुट किया y, पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास क्या आया? 3 + 0 + 4y इज इक्वल्स टू 12. 0 + 4y इज इक्वल्स टू 12. 4y इज इक्वल्स टू 12. y इज इक्वल्स टू 12/4, दैट इज 3. एंड व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, then 3x plus 0 is equals to 12. 3x is equals to 12. x is equals to 12/3. x is equals to 4. तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे जब हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, when x is 0, then 3y is equals to 24, then y is equals to 24/3, that is 8. Clear? And when y is 0, when y is 0, then 4x is equals to 24, x is equals to 24/4, and x is equals to 6. Clear? तो ये हमने set of solution consider कर लिया. अब क्या करेंगे? Cartesian plane में graph draw करेंगे. X and y axis. So this is x axis. This is y axis. And the center intersecting point that is called origin. ये आपने previous class में पढ़ा हुआ है. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Similarly, negative axis, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, and so on. So, सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. When x is 0, when x is 0, then y is 3. When x is 0, then y is 3. तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया. Clear? X is 0, y is 3. And when x is 4, y is 0. When x is 4, y is 0. तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया. और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे. Like this. तो ये हमारे पास फर्स्ट ग्राफ आ गया. कौन सा ग्राफ आया? ये 3x plus 4y is equals to 12. इस इक्वेशन को ग्राफ पर रखा लिया. अब when x is 0, x is 0, y is 8, x 0, y 8. ये हमारा पॉइंट आ गया. नेक्स्ट x 6, y 0, x 6 and y 0, ये हमारा पॉइंट आ गया. अब इसको ज्वाइन करेंगे like this. तो ये हमारे पास इक्वेशन आया 4x plus 3y is equals to 24. तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आया. अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है इसका? ये तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया. सॉल्यूशन के लिए हमें चेक करना है कि ये जो ग्राफ बना, जो दो लाइंस का ग्राफ बना, वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और कहां इंटरसेक्ट कर रहा है. तो ये जो है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम x एक्सिस और y एक्सिस पे देखेंगे कि हमारे पास पॉइंट क्या है. तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस एंड लाइक दिस. तो ग्राफ पे जब आप ड्राओगे तो ग्राफ पे एग्जैक्ट पॉइंट आपके आएंगे. तो वहां पे हम देख लेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी है और y एक्सिस पे कितनी वैल्यू है. तो सपोज x एक्सिस पे मेरे पास यहाँ पे आया 9 और y एक्सिस पे मेरे पास आया -4. तो हम बोलेंगे दीज आर दी सॉल्यूशन, x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये. तो ये हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा. तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. कंसेप्ट बिल्कुल इजी है. सबसे पहले हमने सेट ऑफ सॉल्यूशन से ग्राफ पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, बाय हेडेड ट्रायल मेथड. ऐसे सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ बना रहा है, दोनों को कार्टेशियन प्लेन के अंदर प्लॉट कर रहा है. उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पे, जो ग्राफ है हमारा कहाँ पे जाकर मीट करेगा, जहाँ पे वो मीट करेगा वहां पे उसका सोल्यूशन देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी है और y एक्स में कितनी वैल्यू. तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन को बाय ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर सकते हैं. एंड ग्राफिकल मेथड में आपने ये भी देखना ध्यान रखना है, जो मेरे पास ये ग्राफ आया, ये ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस है. मींस जो दो लाइंस मेरे पास आए वो इंटरसेक्टिंग है. इंटरसेक्टिंग मींस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो अगर फर्स्ट केस, अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग, देन इट मींस इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन. अगर ग्राफ मेरे पास इंटरसेक्टिंग आया, इट मींस वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दिस पॉइंट. तो इसका क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, एक्स की और वाई की सिर्फ एक वैल्यू होगी. क्लियर? अगर मेरे पास ग्राफ सेकंड पैरेलल आ रहा है, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है कि जो दो लाइंस होंगे वो एक लाइन वो ऐसे होगी और दूसरी लाइन ऐसे होगी. मींस किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा ग्राफ पे, ये जो दो लाइंस है वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. मींस पैरेलल ग्राफ आएंगे. इसका मतलब इट हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन. क्लियर? एंड थर्ड केस क्या है कि इफ द ग्राफ इज कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर जो है दूसरी लाइन आ गई. सपोज दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकंड लाइन. तो फर्स्ट और सेकंड लाइन आपस में क्या कर जाएंगे, मर्ज कर जाएंगे. तो फर्स्ट लाइन का ग्राफ और सेकंड लाइन का ग्राफ
डिफरेंट नहीं होगा, वो सेम ग्राफ ही होगा, सेम लाइन होगा, तो उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसका कितना सॉल्यूशन है? पहले चेक करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट मेथड तो ये है कि हम ग्राफिकल मेथड से चेक कर सकते हैं कि अगर ग्राफ जो है हमारा इंटरसेक्टिंग आया इट मींस यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ग्राफ पैरेलल आया, पैरेलल मींस दो लाइन जो आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब वो नो सॉल्यूशन है। और अगर ग्राफ कोइंसिडेंट आया, कोइंसिडेंट तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई ऐसे, क्लियर? इट मींस वो कोइंसिडेंट लाइंस है एंड इट हैज मैनी सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट मेथड क्या है? नेक्स्ट मेथड हम रेशियोज पहले फाइंड आउट करेंगे। रेशियोज मींस a1 / a2, b1 / b2, c1 / c2 ऐसे फाइंड किया, उसके बाद हमने देखा कि कौन सा केस आ रहा है। अगर मेरे पास तीनों इक्वेशन, तीनों रेशियोज इक्वल नहीं आ रहे, a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2 इज नॉट इक्वल टू c1 / c2, देन वी हैव द फर्स्ट केस दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, मींस वन सॉल्यूशन और उसका इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, क्लियर? जब उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा, क्लियर? नेक्स्ट, if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 and it is equals to c1 upon c2, then it has many solution. Many solution means उसका ग्राफ जो आएगा वो coincident line आएगा, coincident lines. And the third case, if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but it is not equals to c1 upon c2, then it has no solution and it represents parallel lines. So in this way we find out the solution, what is the nature of solution, clear? And this is a graphical method, so graphical method se related jitni problems hai hum usko solve karenge, clear? Jitni exercise mein problems hai jahan pe likha hoga solve these equations by graphical method, to humne graphical method se isko solve kar liya. Kuch problems hamare paas hongi jisme statement given hogi, statement se hame kya karna hai, statement ko pehle equation mein convert karenge, क्लियर? तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम जिस भी मेथड से बोला होगा कि फाइंड द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, फाइंड द सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड, तो हम उस मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट से हमने पहले इक्वेशन बनानी है, ठीक है? इक्वेशन बनाने में गिवन होगी, कंडीशंस गिवन होगी, तो कंडीशन का यूज करके हमने क्या करना है, उसकी इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद उसको क्या करना है, हमें कंप्लीटली सॉल्व करना है बाय डिजायर मेथड, जो भी मेथड आपको कहा गया होगा उस मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ आपको मैंने ग्राफिकल मेथड समझाया, ठीक है? तो ग्राफिकल मेथड हम कैसे सॉल्व करते हैं, नेचर क्या है हमारे सॉल्यूशन का, कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड, ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, क्लियर? स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, the first problem is Akka tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Means Akka अपने daughter से कहता है कि 7 years ago, 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then. कि 7 साल पहले मैं तेरे से 7 times एज का था। आज से 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, क्लियर? एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, और अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 times 3 गुना एज का हो जाऊंगा, 3 times एज का हो जाऊंगा। सो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को इसकी अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अलजेब्रिक फॉर्म का मतलब क्या है, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। सो इसके लिए मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ अफका एक्स ईयर्स, हमने अफताब की प्रेजेंट एज जो मान ली वो एक्स ईयर्स मान ली, एंड प्रेजेंट
age of doctor is y years. हमने प्रेजेंट एज दोनों की जीरो कर दी कि अफ्ताब की प्रेजेंट एज जो है वो x है और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है y है. नाउ 7 इयर्स अगो, 7 साल पहले, 7 इयर्स अगो, 7 साल पहले अफ्ताब की एज कितनी थी x माइनस 7 और डॉटर की एज कितनी है y माइनस 7. सो दिस इज age of Aftab and this is the age of daughter. Now, क्या कहते हैं? 7 years ago, I was means Aftab was 7 times as old as her daughter. Means जो Aftab की age है, वो अपने daughter की age का 7 times थी. So, इसको हम 7 से multiply करेंगे. To balance the equation, अगर ये 7 साल पहले जिसकी जितनी इसकी age थी, वो कितने टाइम्स थी? 7 टाइम्स डॉक्टर की एज. नाउ इसको सॉल्व करो, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49. सो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7. सो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42. दिस इज द इक्वेशन. क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड क्या है? 3 years from now, age of Aftab x plus 3 and age of daughter y plus 3. Clear? दोनों की age में हम 3 years add कर देंगे. I shall be 3 times old as you will be. जो अवतार है वो कितनी एज का था, कितनी एज का हो जाएगा? 3 टाइम्स एज का हो जाएगा. क्लियर? सो द इक्वेशन इज x plus 3 3y plus 9. x minus 3y is equals to 9 minus 3. So x minus 3y is equals to 6. So this is algebraic representation. Now इसका ग्राफ बनाएंगे. तो ग्राफ के लिए पहले हम सेट ऑफ इक्वेशन कंसीडर करेंगे, सेट ऑफ सॉल्यूशन x एंड y की वैल्यूज और यहां पे x और y की वैल्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहां पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं 0, क्लियर? व्हेन x इज 0 देन क्या होगा? ये 0 हो जाएगा. माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42. माइनस माइनस कैन कैंसिल. y इज इक्वल टू 42 अपॉन 7. सो y इज 6. क्लियर? नाउ पुट y इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर y को 0 सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस 42 आ जाएगी एंड दिस इज वेरी लार्ज वैल्यू. वी कैन नॉट प्लॉट ऑन द ग्राफ. दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, यहां पे कुछ ऐसी वैल्यू कंसीडर करेंगे ताकि जो हमारे पास जो x की वैल्यू आए वो छोटी वैल्यू आए. तो हम मान लेते हैं यहां पे y की वैल्यू जो है वो 5. When y is 5, then it is minus 35. और minus 35 को जाकर क्या बनेगा? Plus 35. So x is equals to minus 42 plus 35. That is minus 7. So this is minus 7. Clear? In the same way, when x is 0, then y is minus 2. And when y is 0, then x is 6. So this is the set of points on Cartesian plane. Now, अब इसको graph पे हम क्या करेंगे? plot करेंगे. So graphical 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. -1, -2, -3, -4, -5, -6. -7, -8, -9. This is x axis and this is y axis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Clear? Now, अब मैंने सब छोड़ कर दिया.
When x is 0, then y is 6. When x is 0, y is 6. So this is the point. When x is minus 7, then y is 5. X is minus 7, then y is 5. So ये वाला point आ जाएगा. Clear? अब क्या करेंगे? इसको join करेंगे. So this is the. Now, when x is 0, when x is 0, then y is minus 2, like this, and when x is 6, x minus 6 and y क्या है 0, ये वाला पार्ट आएगा, so तो इसको join करेंगे, and so this is the यहाँ पर equation mention कर देते हैं, this is the first equation. X minus 7y is equals to minus 42 and this is x minus 3y is equals to 6. Clear? So this is the graphical representation and this is the algebraic representation. Clear? So इस तरीके से क्या करेंगे? Given situation को पहले algebraic form में convert करेंगे, उसके बाद जिस method से बोला हुआ यहाँ पे इसलिए ग्राफिकल मेथड से बोला है तो हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया. अगर हमको सिंपल बोला होगा कि फाइंड द एज तो हम वहां पे दूसरे मेथड से यूज करते हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट्स सेकंड प्रॉब्लम इज द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3900. एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने क्या किया, 3 बैग और 6 बॉल्स परचेज की, कितने की, टोटल अमाउंट 3900. क्लियर? एंड लेटर शी बायस अनदर बैग एंड 2 मोर बॉल्स फॉर द सेम काइंड फॉर रुपीज 1300. और उसने बाद में क्या किया, एक और बैग और 2 मोर बॉल्स और 2 बॉल खरीदी सेम काइंड की, कितने में, 1300. क्लियर? सो रिप्रेजेंट इस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली. सो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अज्यूम करेंगे लेट कोस ऑफ 1 बैग रुपीज एक्स, सिमिलरली कोस ऑफ 1 बॉल रुपीज वाई. तो हमने ये 1 बैग और 1 बॉल का कोस्ट अज्यूम किया. Now, according to question, according to statement क्या है, उसे कितने बैग खरीदे, 3 बैग और 6 बॉल्स. तो अगर एक बैग का कॉस्ट x है, if the cost of one bag is x, then what is the cost of 3 bags? That is 3x. So, the cost is 3x of bag and 6 balls. The cost of one ball is y and the cost of 6 balls is 6y. The total amount is 3900. Clear? 3 bag का cost और 6 balls का cost, दोनों को मिला के total कितना जो bill आया, that is 3900. So this is our first equation. Second, later she buys another bag and 2 more balls. एक bag खरीदा उसने, that is x. एक बैग का कॉस्ट x है और 2 मोर बॉल्स, दो बॉल खरीदे, दैट इज 2y. टोटल कॉस्ट कितना आया, 1300. सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. सो दिस इज द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन. नाउ कन्वर्ट दिस इनटू ग्राफिकल फॉर्म. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेट ऑफ सॉल्यूशन यहां पे बनाएंगे. 3x plus 6y is equals to 3900 and x plus 2y is equals to 1300. Clear? Now, set of solution. When x is 0, when x is 0, then 6y is equals to 3900. So, y is equals to 39 upon 6. जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6y 0. ये जब हम
3900 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 650 है. सिमिलरली व्हेन y is 0 then 3x is equals to 3900 x is equals to 39 upon 3 that is 1300. Clear? Similarly the second set of solution बनाएंगे. This is x y. When x is 0 when x is 0 then 2y is equals to 1300 and y is equals to 1300 divided by 2 that is 650. And second, when y is 0 when y is 0 then we have x is equals to 1300. Clear? So this is the set of solution. अब क्या करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इसको. ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई की वो लार्ज वैल्यूज हैं. तो हम यहाँ पे जो हमारा स्केल कंसिडर करेंगे एक्स और वाई एक्सिस का स्केल वो भी लार्ज वैल्यू वाला कंसिडर करेंगे. दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस. मैं नेगेटिव एक्स यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा बिकॉज मेरे पास ये जो वैल्यूज आई है वो नेगेटिव नहीं आई है तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना ग्राफ ड्रॉ करना है. सो दिस इज द रीजन. नाउ अगर यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं 650 1300 ठीक है तो हम यहाँ पे 100 का डिफरेंस लेके चलेंगे. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300. सिमिलरली यहाँ पे 100 का डिफरेंस चलेगा. 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 एंड सो ऐसे अगर ग्राफ ड्रॉ करिए. नाउ रिप्रेजेंट दिस व्हेन x 0 y 650 व्हेन x 0 y 650 650 600 और 700 के बीच में ये वाला पार्ट क्लियर. व्हेन x 1300 y 0 x 1300 y 0. नाउ जॉइन दीस टू पॉइंट्स क्लियर. सो दिस इज द इक्वेशन 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900. सिमिलरली जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे x 0 y 650 x 0 y 650 सेम पॉइंट x 1300 y 0 x 1300 y 0 सेम पॉइंट देन ग्राफ इज अगेन सेम एंड दिस इज आल्सो ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300. दिस इज आल्सो ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन. सो यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो दोनों इक्वेशन है उसका ग्राफ सेम आया. सेम आने का मतलब क्या है दीज टू टाइम्स आर कोइंसिडेंट टाइम्स एंड इसका सॉल्यूशन कितना होगा मैनी सॉल्यूशन. इट हैज मैनी सॉल्यूशन. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो इन दिस वे वी सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. सो आपके एनसीईआरटी एग्जाम में काफी प्रॉब्लम्स है जो इसके बेस पे है तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं. एंड अगर कोई क्वेरी आती है आपको किसी स्टेटमेंट में आपको प्रॉब्लम आती है कोई स्टेटमेंट आपसे नहीं उसी इक्वेशन पर नहीं है सो यू कैन कॉन्टैक्ट. ओके थैंक यू.